अस्सलाम वालेकुम टू एवरी वन। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। 11 रबीउल अव्वल की रात थी, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि चलें लाइटें देखने चलते हैं। तो ये 11 रबीउल अव्वल वाले दिन हम लोग जो है तकरीबन 12 बजे या 11 बजे इसी तरह का वक्त था, और हम लोग जो है लाइट्स देखने गए थे। और गुरु मंदिर का एरिया सबसे ज़्यादा प्यारा सजा हुआ था, और भी बहुत सारे एरियाज अच्छी तरह सजे हुए थे, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। और उसके बाद फिर क्योंकि घर जल्दी आना था और बाकी सारे काम निपटाने थे, आपको पता है कि मेरी कज़न की, मेरी बेस्ट फ्रेंड समझो, सबसे पुरानी जो एक दोस्त होती है, उसकी बर्थडे थी, तो उसकी सारी चीज़ें करनी थी कि मम्मा को केक्स बनाने थे। 4 केक्स बनाए थे मम्मा ने, रबी अव्वल के भी और बर्थडे केक भी। और ये राफिया का केक था, बहुत ज़्यादा यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट केक मम्मा ने बनाया था। और इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ जाके विज़िट कर लेगा। थ्रेड की मदद से मम्मा ने पूरे फ्लावर्स बनाए थे और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और ये मैं राफिया के लिए स्केच बना रही थी, और ये तकरीबन ये आके ही सारा। और ये देखें रबी अव्वल के केक हैं, ये एक केक जो है रबी अव्वल का है और दूसरा केक भी रबी अव्वल का है, जो नानी ने मदरसे में बच्चों को बांटा था। और ये दोनों केक रबी अव्वल के हैं। तीसरा केक जो है ये राफिया का केक है, और ये बिल्कुल यूनिक सा केक है। और ये निम्रा मेरी मामू की सबसे छोटी बेटी है, उनका केक है। तो ये चारों केक एक साथ मम्मा ने बनाए थे, और इसकी वीडियो आप लोग जाके लाजमी विज़िट करेगा। ये स्केच में बनाई थी, बट मुझे थोड़ा हल्का फीका फीका सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं कुछ कलर्स ऐड कर दूँ। तो फिर ये कलर, जिस ड्रेस की पिक्चर मैंने यहाँ लगाई हुई, उसी ड्रेस के कलर मैंने इस पे फ्रेम के, क्योंकि राफ्ट में जितने भी स्पेशल लोग हैं उन सबको एक एक स्केच लाजमी देती हूँ। तो राफिया रह गई थी, बाकी सारी फ्रेंड्स को दे चुकी थी, तो फिर मैंने कहा इस बर्थडे पे। ओके, तो राफिया का गिफ्ट पैक हो चुका है, और बस मुझे ज़िंदगी में दो ही काम नहीं आते, एक रोटी बनाना और एक गिफ्ट पैक करना। ये देखिए मैंने इसका क्या हाल किया है, लेकिन खैर चलें पैक हो गया, और बस अब केक की तरफ चलते हैं। केक दिखाती हूँ मैं आपको। और फिर मुझे लगा कि मेहंदी तो लगाई नहीं, तो फिर मुझे याद आया फिर मैं मेहंदी लेकर आई हुई थी। तो हर ईद वगैरह पे मेरी मेहंदी कॉन्स्टेंट होती है, तो फिर मैंने कहा चलें चल इसे एक ही हाथ पे लगा लेती हूँ। और तकरीबन 2 बजे बैठ के मैंने रात में मेहंदी लगाई है। और ये देखें यहाँ मम्मा का यूट्यूब चैनल चल रहा है। मम्मा क्या बना रही हैं सुबह सुबह आप? सुबह तो नहीं, 3 बज रहे हैं। खीर बन रही है, तो रात भर केक बने तो सुबह में खीर लेट ही बनेगी ना फिर। अच्छा, तो खीर कौन सी खीर बना रही हैं आप? ये मैं बना रही हूँ कोकोनट मिल्क खीर। कोकोनट मिल्क खीर। और इसका आइडिया आपको किसने दिया ये कोकोनट खीर का? मैंने लिया है खुद ही। नहीं जी, आपको किसने आइडिया दिया? जी आपने दिया ये। जी, और ये मैं कुछ ना कुछ यूनिक करने का शौक है, तो खीर भी यूनिक होनी चाहिए, खाने भी यूनिक। नॉर्मल तो इनसे कुछ बनता ही नहीं, इनसे सिर्फ यूनिक चीज़ें बनती हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपने चावल नहीं ऐड करे ना? नहीं, इसमें चावल नहीं, इसमें बिल्कुल ये चेंज रेसिपी। अच्छा, आप रेसिपी नहीं बताए, मैं लोगों को बोलूंगी कि ये लोग जाएं और आप जाके आपका यूट्यूब चैनल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। भी बहुत कुछ न्यू और यूनिक ही मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये बेटी किसकी है। हाँ, इनके जहन में जैसा आइडिया आता है उससे ज्यादा मेरे जहन में आते हैं, तो उससे ज्यादा नहीं आते। जी नहीं, उससे ज्यादा ही आते हैं। आपके यूट्यूब पे जाके देख लें, आपको सब कुछ नया नया मिलेगा ज्यादातर। चलिए ठीक है, फिर जाके देख लें और कमेंट भी कर दें। और देखें ये अब सुबह हो चुकी है, राफिया को यही पता है कि मैं नहीं आऊँगी आज, मेरी तबीयत ख़राब है। और जल्दी से ड्रेस प्रेस कर चुके हैं, मम्मा खीर बना रही है नानी के लेके जाने के लिए और बांटने के लिए, और बस फिर हम रेडी होके जाके दिखाती हूँ कि वहाँ पे कैसे। और फाइनली सबको खीर का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया, नानी के घर में भी, हमारे घर में भी बहुत यूनिक टेस्ट था। फिर राफे की प्री बर्थडे की कुछ पिक्चर्स हैं जो कि हमने मंदी में की थी, और वहाँ पे हम लोगों ने चिकन चीज़ केक ऑर्डर किया था, जो कि मंदी की डिश नहीं है, हमने ऑर्डर किया था, बट इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये चिकन चीज़ केक। और उसके साथ हम लोग वहाँ के मंदी की जो स्पेशल हम चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ना, वो है इसके फ्राइज़, और बहुत मज़े के फ्राइज़ होते हैं मंदी के, तो आप लोग भी जाएँ तो लाजमी खाइएगा। और फिर ये छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन है, और राफिया मेरी खाला की बेटी है, सबसे बड़ी खाला की बेटी है, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब बचपन से ही हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा वो था, सबसे ज़्यादा हम लोग अटैच थे एक दूसरे के साथ। अल्लाह युसरा और राफिया की दोस्ती को हमेशा कायम रखे, इसी तरह ही हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। आमीन।